हाई एवरी वन वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज फैशन चेतना और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हु वो बैग कलेक्शन हॉल जो कि अभी रिसेंटली मैंने मिंत्रा से पिक किए हैं एंड अभी जो मिंत्रा पे ट्वेल्व जून टू तो सिक्सटीन जून जो सेल चल रही थी उसमें से मैंने पिक किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है लाइक जितने भी हैंड बैग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगी वो सारे वन थाउजेंड से बिलो एंड वन थाउजेंड के अप्रॉक्स हैं और बहुत ही अच्छी ब्रांड के लाइक लावी बैग इन सारे ब्रांड के आपको हैंड बैग देखने को मिलेंगे एंड सबसे अच्छी बात है कि इनका सब बहुत ही ज्यादा बड़ा लाइक like, अपना सारा सामान रख सकते हो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेल तो चली गई है हम अपना कैसे अफोर्डेबल प्राइस में हम पिक करेंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए मैं आपको टिप बताती हूँ कि मिंत्रा पे सेल के अलावा भी वहाँ पे डिस्काउंट चलते रहते हैं उसमें से आप पिक कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा तीन सौ चार सौ रुपये ऊपर नीचे होता है और कुछ भी नहीं होता है सो आप वहाँ से पिक कर सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे एंड अभी जो मैंने हैंडबैग पिक किए हैं वहाँ पर मैंने सेल का कूपन कोड अप्लाई किया है प्लस फ्लिप प्लस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है जिससे मुझे फाइव परसेंट कैश मिला है इसके अलावा आप कैश करो से भी यूज़ कर सकते हो उसमें आपको फाइव परसेंट परसेंट कैशबैक मिल जाता है मिंत्रा के ऐप से रिगार्डिंग सो so, आप ऐसे भी शॉपिंग कर सकते हो और अपना मनी सेव कर सकते हो एंड ये बैग आप मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी साइज साइज के के हैं यू नो आप ऐसे पर्सन हो जिनको थोड़ी बड़ी के चाहिए होते हैं दिखने में बहुत ही अच्छे हो और एक बजट रेंज में आपको ब्रांडेड बैग चाहिए होता तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में सारे ब्रांडेड बैग है साइज बहुत बड़ा है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं एंड इनका जो मटेरियल इनकी क्वालिटी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी आई है ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोल रही हूँ ना सब कुछ मैंने आप लोगों को बैग्स के बारे में बता दिया अब चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सो लेट गेट स्टार्ट एंड सो so, सबसे पहले जो मैं आपको हैंड बैग दिखाने जा रही हूँ वो है ये बैगेट का यू नो लास्ट मैंने मेरा जो हैंड बैग हॉल है उसमें मैंने आपको एच एन एम का एक हैंड बैग शेयर किया था जिस आई एम नॉट सेटिसफाइड विद क्वालिटी क्योंकि वहाँ पर कोई एच एन एम मैंशन नहीं था मैंने आपको ऐसा कुछ बोला था सो so, ये वाला हैंड बैग जो है मैंने फिर से पिक किया क्योंकि मुझे ब्लैक कलर का एक हैंड बैग कब से चाहिए था जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो लेकिन एक बजट रेंज में हो लाइक अभी मैंने इस हैंड बैग को पिक किया है ये बैगेट का है और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मटेरियल इसका जो है वो सिंथेटिक लेदर है और इसमें आपको एक जिप मिलता है एक बड़ा सा बहुत बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है और उसके साथ में साइड में एक और बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है लाइक आपको एक सिंगल जिप मिलेगा बट इसमें कंपार्टमेंट टू मिलेंगे एंड बैक साइड में आपको एक स्मॉल सी जिप मिलेगी जिसमें अपना फोन या स्मॉल वॉलेट वगैरह होता है वो रख सकते हो क्योंकि ये जो स्मॉल पॉकेट है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है सो so, इसका फैब्रिक की अगर इस सो इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी लाइक सिंथेटिक लेदर है सो बहुत ही सॉफ्ट वाला लेदर है ये एंड इसके अंदर आपको इतना बड़ा ह्यूज ह्यूज कंपार्टमेंट मिल रहा है जिसमें आप अपना बहुत सारा सामान रख सकते हो एंड आपको स्मॉल सी स्ट्रैप मिलती है जिसको आप शोल्डर पे कैरी कर सकते हो इस टाइप से दिखाऊंगी पता चल जाएगा बहुत ही अच्छा लगा के अकॉर्डिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग बहुत ही क्यूट बैग है so, इसका और इसका प्राइस मैंने सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रुपीज पे किया है ब्रांडेड बैग प्लस इतना अफोर्डेबल सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि में कौन सा आपको मिल रहा है कौन सा आपको डुप्लीकेट मिल रहा है लेकिन मैं आपको एक टिप बता सकती हूँ कि आप अंदर जो ये लाइक इस टाइप से जो ये कवर होता है अंदर का उसमें आप देख सकते हो कि बैगेट का टैग है कि नहीं है और फ्रंट में बैगेट का टैग है कि नहीं है जो है टैग आपको मिलता है उस पर बैगेट की पूरी सही से डिटेल जो है वो लिखी हुई है नहीं है बस ये तीन चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हो कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पता कर सकते हो क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको डुप्लीकेट माल मिल जाता है सो आई कांट से कि आपको डुप्लीकेट मिल रहा है या ओरिजिनल मिल मिल रहा है बस थोड़े दो तीन टिप्स मैंने आपको बता दी वो आप चेक कर सकते हो सो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में मिल गया एंड यू नो विदाउट सेल आपको ईजिली आपको ये एट या एट फिफ्टी में मिल जाएगा क्योंकि मैंने इसको सेल और विदाउट सेल दोनों में कंपैरिजन किया है so, सो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड गुड रेंज का बैगेड बैग है और ऑफिस के हिसाब से या वैकेशन पे जा रहे हो किसी से मीटिंग के लिए जा रहे हो तो भी बहुत ही अच्छा बैग है ये नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्यूटीफुल सा मस्टर्ड येलो कलर का बैगेट का बैग ये भी सिंथेटिक लेदर का है एंड ये भी इस टाइप से राउंड शेप में आता है नीचे से फ्लैट आता है और इसमें आपको मिलती है दो सेपरेट जिप मिलती है आपको लाइक ये फर्स्ट वाली जिप है और ये सेकेंड वाली जिप है दोनों के अंदर आपको बहुत बड़े कंपार्टमेंट मिलते हैं आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े कंपार्टमेंट मिलते हैं और पीछे की साइड में आपको एक सिंगल जिप मिलता है और इसका साइज भी बहुत बड़ा है वॉलेट एंड फोन आप रख सकते हो और इसका मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है फ्रंट में आपको बैगेट का ब्रांड का टैग मिलता है और आगे इस साइड में इसमें भी आपको बैगेट का मिलता है सो so, बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी का सिंथेटिक लेदर का ये ह्यूज बैग है एंड इसका प्राइस मैंने पे किया है एट हंड्रेड रुपीज़ सो मुझे ये, ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एंड रीजनेबल प्राइस में आपको ये क्यूट सा मस्टर्ड येलो कलर का ब्रांडेड बैग मिलता है ये भी ऑफिस वेयर लुक के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अगेन ये बैगेट का बैग है और ये है ब्राउन जिसकी स्ट्रैप आपको मिलती है येलो कलर की एंड पीछे बैक साइड में आपको एक सिंगल जिप मिलती है जैसा कि नॉर्मल सारे बैग्स के अंदर आती है हैंड बैग्स के अंदर उस टाइप से मिलती है और इसमें फ्रंट में आपको ये इस टाइप से एक सिंगल जिप मिलती है सिंगल जिप मिलती है जिसमें आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है और अंदर की साइड में आपको एक स्मॉल पॉकेट मिलती है जिसमें आप अपना सीक्रेट मनी वगैरह कुछ भी रख सकते हो सो इसका आप Uh, देख सकते हो कितना बड़ा है और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है बहुत ही अच्छी चीज़ें बहुत सारे सामान आप इसके अंदर रख सकते हो स्ट्रैप की क्वालिटी मटेरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है अगेन ये सिंथेटिक लेदर है और इसका प्राइस मैंने पे किया है सिक्स हंड्रेड सेवेंटी सिक्स रुपीज़ सो दिस इज़ सो अफोर्डेबल लाइक आपको सिर्फ साढ़े छः सौ रुपये में इतना अच्छा ब्रांडेड और इतनी अच्छी क्वालिटी का बैग मिल रहा है लाइक like, इतना हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं आपको इस हॉल में जितने भी आपको हैंड बैग दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है इससे ज़्यादा अफोर्डेबल आपको कुछ नहीं मिल सकता है ब्रांडेड बैग के लिए एंड प्लस पॉइंट ये है कि इस टाइप के बैग आप ऑफिस में कैरी कर सकते हो मीटिंग करने जा रहे हो किसी के साथ मीट meet, मीटिंग uh, में जा रहे हो तो भी आप कैरी कर सकते हो सो so प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है यू नो ये दो तीन साल आपके कुछ भी नहीं बिगड़ने वाले इन हैंड का इतनी अच्छी क्वालिटी है इनकी वो सो मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये लावी का बैग है जिसका ऊपर से आपको वी शेप मिलता है और इस साइड में आपको थोड़ी सी ये कुछ डिज़ाइन मिलती है और यहाँ पे प्लेन फैब्रिक मिलता है सो so ये वाला बैग मैं आपको मतलब मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी इसमें आपको दो तीन कलर ऑप्शन मिलेंगे एक ऑफ वाइट है और एक शायद मरून कलर का भी है सो so दो से तीन कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे बट मैंने इसमें ब्लैक कलर पिक किया क्योंकि मुझे दूसरे कलर पसंद नहीं आए थे सो इसमें आपको पीछे बैक साइड में जिप मिलती है एंड Uh, अंदर की साइड आपको एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मिलता है और यहाँ पे साइड में आपको जो है चिप मिलती है स्मॉल पॉकेट मिलती है इस टाइप से स्मॉल पॉकेट मिलती है सो आ, बहुत ही बड़ा बैग है ये इसमें आप बहुत सारा सामान रख सकते हो स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है यू नो आप इस बैग को विदाउट सेल आप देखोगे तो हमेशा आपको 1500 या 1400 हंड्रेड की अप्रॉक्स बताएगा बट बत मैंने इसको सेल के अंदर लिया है एलेवन हंड्रेड रुपीज़ में येस वन uh, थाउजेंड से हंड्रेड रुपीज़ ज्यादा है बट इट्स ओके क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे विदाउट सेल भी आप इसको पिक कर सकते हो मिंत्रा पे मैं बोल रही हूँ ना आपकी अभी मैंने आपको बताया कि 1400 या 1500 के अप्रॉक्स रहता है बट मिंत्रा पे एक कूपन कोड नीचे हमेशा लगता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो नीचे आपको कूपन कोड मिलेंगे जिसमें लिखा होता है कि आप वन से अबाउ या टू से अबाउ शॉपिंग करते हो तो आपको वैसे ही फोर हंड्रेड ऑफ मिल जाता है सो वो कूपन हमेशा यूज़ कीजिएगा वो विदाउट सेल भी अवेलेबल रहते हैं मिंत्रा पे सो आप ऐसे शॉपिंग कर सकते हो छोटे छोटे टिप्स हैं उनको आपको हमेशा याद रखना है शॉपिंग करते टाइम यू नो मनी सेविंग बहुत ज़्यादा जरूरी है हम शॉपिंग करते हैं तो उस मनी को सेव करके हम एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हैं सो so, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के और बहुत मनी सेव करके शॉपिंग करती हूँ सो so, ये वाला बैग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है सो so, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इसका फैब्रिक जो है या मटेरियल जो है वो भी सिंथेटिक लेदर है भी मैंने आपको बैगेट के बैग दिखाएं उसमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे लाइक मरून कलर ब्लैक कलर बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे तो आप कलर ऑप्शन भी जरूर देख लीजिएगा आने जा रही हूँ वो है ये बैगेट का बैग अगेन और इसका प्राइस मैंने पे किया एट हंड्रेड ये भी सिंथेटिक लेदर है इसमें आपको एक जिप मिलती है जिसमें आपको कंपार्टमेंट मिलता है एक सिंगल पीछे आपको बड़ी सी जिप मिलती है जिसमें आप अपना खूब सारा सामान रख सकते हो लाइक फोन एंड वॉलेट रख सकते हो इससे पहले जो भी मैंने आपको बैगेट के बैग दिखाए हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में बट उनके कंपैरिज़न में उस, उनके कंपैरिज़न में इसका साइज जो है वो थोड़ा स्मॉल है प्राइस इसका 800 है उसके अकॉर्डिंग मुझे ये थोड़ा बैग पसंद नहीं आया है क्योंकि जो दिखने में इसका जो कलर था लाइक सी ग्रीन कलर जो होता है ना उस टाइप का ये कलर दिख रहा था बट मुझे जो रिसीव हुआ वो ग्रे कलर रिसीव हुआ सो so, मैं इसके कलर को लेके बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसमें आपको एक कलर ऑप्शन आप देखने को मिलेगा ब्लैक कलर हो सकता है उसमें ये बैग बहुत ही क्यूट लगे बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि एक तो उसका प्राइस एट है प्लस इसका स्मॉल साइज है जो मैंने आपको पहले वाले बैग दिखाएँ सिक्स हंड्रेड सेवन में आपको इतने बड़े बैग मिल रहे हैं प्लस उनके पास कलर ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं साइज़ भी बहुत बड़ा है बट इसका साइज़ स्मॉल है प्राइस ₹800 है और विदाउट सेल इसका प्राइस 900 समथिंग कुछ रहता है सो so मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करती हूँ, आपको चाहिए तो इसमें ब्लैक कलर पिक कीजिएगा प्लीज ये कलर पिक मत कीजिएगा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये सो so ये uh, इसके बारे में ये रिव्यू है मेरा और अंदर मतलब इसके स्मॉल सी साइज़ आती है आपको बता देती हूं इस टाइप से ही स्मॉल सी साइज़ आती है नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा फेवरेट फेवरेट बैग व्हाइट कलर का एंड फ्लोरल टाइप की डिजाइन यू नो इस टाइप के जो हैंड बैग मतलब हैंड बैग में यूजुअली हमें एक यूजली सिंगल कलर मिलता है या फिर डबल कलर मिलता है या फिर लाइन्स में कुछ कलर मिलता है बट दिस टाइम वाइट कलर पर जो फ्लोरल डिज़ाइन है लाइक like बीच वाली फीलिंग आती है सो so, मुझे ये बैग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड प्राइस के अकॉर्डिंग सो अफोर्डेबल वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स रुपीज़ इन द सेल बट विदाउट सेल इसका प्राइस हमेशा रहता है फोर्टीन हंड्रेड थ्री फोर्टीन हंड्रेड और थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज सो so, आप इसको जो कूपन कोड मैंने आपको बताया ना वो यूज करके आप इसको 1100 हंड्रेड या ट्वेल्व हंड्रेड में पिक कर सकते हो विदाउट सेल बट मैंने इसको सेल में लिया वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स रुपीज में जो कि बहुत ही अच्छी डील है बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड इसके पीछे बैक साइड में एक स्मॉल पॉकेट आता है और एक बड़ा सा कंपार्टमेंट जिप के साथ में आपको मिलता है इस टाइप से इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है और जो दो कंपार्टमेंट है इसके अंदर उसमें भी इस साइड में एक स्मॉल पॉकेट है और इस साइड में भी आपको मोबाइल वगैरह रखने इस साइड में भी आपको मोबाइल वगैरह इस साइड में भी आपको मोबाइल वगैरह रखने के लिए बहुत ही अच्छा खासा स्पेस मिलता है सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसमें यू नो जो पॉलीथीन वगैरह जो न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं वो मैंने नहीं हटाया था ताकि आपको दिख सके कि इसका फ़िलअप करने के बाद इसका वॉल्यूम कैसा दिखता है इसलिए मैंने नहीं रिमूव किए सो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस टाइप के बैग आप बीच में भी कैरी कर सकते हो मीटिंग में जा रहे हो किसी से तो वो भी लेके जा सकते हो बहुत ही अच्छी फील आती है मतलब और मटेरियल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये बैग और मैं आपको हाईली रेकमेंड भी करती हूँ अगर आपको इस टाइप के कलर ऑप्शन अच्छे लगते तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट माई हु वो बैग कलेक्शन हॉल और ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस के हैं और क्वालिटी मटेरियल सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी होती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो इस, इसके लिए आपको फैशनवी चेतना इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी हुई है और इस इसके अलावा मुझे कमेंट भी करके पूछ सकते हो कि दीदी दी कैसा है और इन सारे प्रोडक्ट या इन सारे बैग का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा वैसे मैं आपको स्टाइल करके दिखा ही रही हूँ कि ये दिखने के बाद कैसे लगेंगे एंड ट्रस्ट मी गाइज मैं आपको सारे ही बैग हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ब्रांड दिखने में साइज़ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है इन बैग्स के अंदर रिसीव करने के बाद बस वो एक सिंगल बैग ग्रे कलर का मैंने आपको बताया वो मुझे अच्छा भी नहीं लगा बाकी सारे ही बैग प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और कोई वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो का और मेरे चैनल का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर सकते हो सो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू गाइज बाय बाय